रेडी? तो पाजी थोड़ा और टेंशन रखना, नहीं यार बस बहुत हो गया यार। तुम देखना पाजी हाथ घुमा रहे, देखना क्या कर रहा है। रोलिंग एंड एक्शन। यहाँ पे रीज़न ये है कि शो में अभी गमोशा जो कि बहुत बड़ा गुंडा है उसके आदमी सोना ला रहे थे, तो वहाँ पे जो शौर्य है जो कि मैं हूँ, जो इंस्पेक्टर है, वो वहाँ पे उनके साथ मिलके खुद को अरेस्ट करवा के आ जाता है, और अरेस्ट करवाने के बाद जेल में वो इन सब का भांडा फोड़ता है, और पता चलता है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे कमिश्नर का हाथ है। राइट, सो यहाँ पे वो सब कुछ रिवील हो चुका है और फिर एंड में फाइट हो रही है। या सो दैट्स व्हाट यू सॉ। इस बीच में जो है फैमिली में ये एक न्यूज़ जाती कि मेरा बड़ा भाई है, वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं, मतलब मेरा भाई मेरा आइडल है, मैं एक रिपोर्टर हूँ, ऐसे ही माइक के लिए गौर से देखिए ये सब करता हूँ। मेरे को पता लगता है कि यार मेरा भाई कैसे बेईमानी कर सकता है, बहुत ही अच्छा पुलिस ऑफिसर है, जाबाज पुलिस ऑफिसर है, तो सबको फैमिली पता लगता है कि ये करप्ट है, वो अलग शौक है। फिर हमको बाद में रिवील होता है कि ही डिड इट ऑन पर्पस ताकि गमोशा को पर्पसली, तो हम लोग को भी शौक लगता है उसका कि वाह यार, ताकि हम गमोशा तक पहुंच सके यू नो दैट्स। हाँ यार मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, मैंने इससे पहले कुर्सियां तोड़वाई नहीं है, तोड़ी है तो जब मुझे हालांकि वो प्रोटेक्टिव गियर वगैरह दिया हुआ था, बट स्टिल एक वो हल्का सा होता है ना मन में कि यार कहीं लग ना जाए, थोड़ा सिर पे ना लग जाए, यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट, तो था, बट एक एक्साइटमेंट भी होता है, एक्शन का एक अलग ही हाई पे होते हो आपकी यार, लेट्स डू इट लेट्स डू इट। मास्टर जो जैसे मास्टर जी होते हैं जो हमारे साथ होते हैं, दे आर फैब, मतलब उनके जो फाइटर्स आते हैं ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवेंचुअली स्क्रीन पे जो दिखता है कि हम लोगों को मार रहे हैं घुमा रहे हैं, हम करते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा वो मेहनत करते हैं, सो आई गेस ऑनेस्टली दे आर द रियल हीरोज, उसमें वैसा कहना कुछ गलत नहीं होगा। ऑफकोर्स सारा क्रेडिट हमें मिलता है, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज, यू शुड नो। आई गेस वी आर लविंग इट, राइट? हमें बहुत मजा आ रहा है यार, वी आर एंजॉइंग इट। आई गेस आप यहाँ पे थी, आप रिकॉर्ड कर रहे थे, तो ये जो पूरा माहौल होता है ना, इट्स सो चार्ज्ड अप, यू नो, और पूरा फाइट, और सबसे ज्यादा आपको ना एनर्जी देते हैं फाइट मास्टर्स और फाइटर्स, बिकॉज वो जिस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, यू लाइक वाओ, एंड देन यू हैव टू मैच दैट लेवल ऑफ एनर्जी, यू नो, करेक्ट, अदरवाइज नहीं बन पाता है। और एक दूसरा रीजन ये भी होता है कि जल्दी पैकअप हो, इसलिए जल्दी जल्दी टेक करोगे तो जल्दी पैकअप भी होगा। सच बोले झूठ बोले? सच बताओ। ओके, नहीं बहुत प्लान्स तो बहुत ज्यादा है, हम सुबह आएंगे शूट करेंगे, रात तक शूट करेंगे और फिर घर जाएंगे सो जाएंगे, दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट्स बीन, एंड आई गेस आई एम वेरी हैप्पी, दैट्स हाउ इट इज। देखिए मेरे हिसाब से नया साल है, तो नए साल में अगर कोई आदमी काम करते हुए उसको बिताए, स्पेशली हमारा, हम अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, तो जिस काम को करने में खुशी हो आपको वो काम कीजिए, नया साल में अच्छा काम करेंगे तो साल भर अच्छा जाएगा। और क्रिसमस का भी सेम ही है यार, केक वेक खाओ, पेस्ट्री वेस्ट्री खाओ, मजे करो, रम केक खाओ। विश यू ऑल मैरी क्रिसमस, आपका क्रिसमस बहुत अच्छा जाए, आप खूब एंजॉय करो, आपको सीक्रेट सेंटा के थ्रू बहुत सारी गिफ्ट्स भी मिले, और आई गेस जहाँ तक मुझे पता है बच्चे बहुत हमारे शोज देखते हैं, राइट? तो बच्चों को खास हैव फन, आपका वेकेशन भी होगा, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, हैव फन, खाओ पियो ऐश करो, और न्यू ईयर के दिन
भी ऐसी करो यार, बहुत हुआ। नहीं नहीं बच्चे हैं, बच्चे हैं। बच्चे नहीं, मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, थोड़ा कम। So wishing you all a very happy new year in advance and Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. और दूसरी चीज़ एक ये भी मैं कहना चाहूँगा कि एक नए साल के साथ एक कोई अच्छी आदत अगर आप जोड़ सकें अपने साथ। मैं ज्ञान दे रहा हूँ बट मैं भी कोशिश करता हूँ हर साल कोई एक अच्छी बुरी को छोड़ने की और अच्छी को पकड़ने की। तो कोई एक चले गए स्ट्रीट साइड में, कुछ एक पिज्ज़ा दे दिया, कुछ ऐसा अच्छा डीट कर दो यार नए साल में, कुछ अच्छा हो जाए आपके साथ। हैप्पी न्यू ईयर। ये रेजोल्यूशन यार मैं ये सेट करता हूँ कि जो भी चैरिटेबल काम हो, जैसे मैं बींग ह्यूमन के कपड़े खरीद लेता हूँ यार, सिंपल बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। वो मुझे पता कि सही जगह जाएगा पैसा, तो मैं अपने तरफ से जो एक कपड़े अपने, मेरा भी फ़ायदा, कपड़े अच्छे आ जाते हैं, दूसरी चीज़ वो चैरिटेबल ट्रस्ट में चला जाता है। और जो मैं डॉग्स को बहुत प्यार करता हूँ अपने जो स्ट्रीट साइड में होते हैं, तो उनको मैं रोज़ ही मेरी कार में पार्ले जी वार्ले जी के बहुत सारे पैकेट पड़े होते हैं, तो मैं रोज़ देता रहता हूँ। और ये करता है वो, और हमें भी खिलाता है कभी कभार उसी पार्ले जी वैसे। न्यू ईयर का रेजोल्यूशन मेरा है कि जो मैंने 2015 में डिसाइड किया था और 16 में डिसाइड किया था, जो मैं नहीं कर पाया, वो फाइनली अभी नेक्स्ट ईयर वो सेम लिस्ट वो ऐड होती जाती है। सो आई रियली होप कि मैंने जो 2014-15 में नहीं किया और 16 में भी बनाया था जो नहीं किया, वो अब 17 में करूं, 3 साल। और इस बार इस शो के साथ यू नो वो 2-3 जो रेजोल्यूशन है जो नहीं हो पाए वो हम पूरे करेंगे। दैट्स हाउ इट इज। ऑल द बेस्ट टू यू टू। ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।